थाना वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित मोरकुटी कॉलोनी में मुंशीलाल पुत्र हरी राम का मकान है। रात को चोरों ने घर के पीछे के रास्ते से मकान में प्रवेश कर लिया और घर में रखे सोने की एक जोड़ी कुंडल, सोने की अंगूठी, चांदी की चेन व 16,000 रुपये की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोर घटना को अंजाम देकर वहां से फरार होने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तभी शोर सुनकर मकान स्वामी के परिवारीजन जाग गए और भागते हुए चोर को दबोच लिया। पकड़े गए चोर मोनू ने बताया कि चोरी का सारा माल उसका भाई प्रदीप लेकर भाग गया है। पकड़ा गया चोर मोनू भी बाद में एक मकान स्वामी को चकमा देकर मौके से भाग जाने में सफल हो गया। पीड़ित ने घटना की सूचना 100 नंबर पर दी, जिसके बाद पुलिस ने मकान स्वामी की निशानदेही पर चोरों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना के संबंध में पीड़ित के पुत्र ने जानकारी दी। चोरी हुई थी रात सुबह के टाइम में, कम से कम 3-3:45 बजे के टाइम पर। माल ले जाते हुए घटना स्थल पर पकड़ लिए, प्लस कैश ले चुके ये 16,000 रुपये और ये जो चांदी के आभूषण वगैरह ये ले गए। तो रात को कैसे घर में घुसे ये? ये घर में घुसे थे पीछे की तरफ से। क्या पीछे दरवाजा था या? नहीं, खेत की तरफ से चढ़ गए घर पर। चढ़ गए। तो क्या क्या नकदी के अलावा? नकदी के अलावा ये मतलब एक सोने की थी, वो चांदी की चेन थी और मतलब वो चांदी की अंगूठियाँ थी सोने की। कैसे पता चला कि घर में चोर घुसा है? ये घर में जो जगार होने पे तब पता चला था कि खटपट की आवाज़ सुनने पे। तो पहचानते हैं कौन है वो चोर आसपास के? हाँ, बिल्कुल, स्पॉट पे ही पकड़ लिया था 1 घंटे पीछे उसको, जब सारी कॉलोनी का चित्र होकर नहीं जब ढूंढाता था तब। तो कौन है, क्या नाम है उनका? उसका नाम है प्रदीप, और प्रदीप मोनू पुष्पेंद्र। ये चोरी पहले भी चोरी कर चुके हैं? हाँ, ये पहली काफ़ी है, तो आज लगी चुकी है। पुलिस को सूचना दी कभी? जी, 100 नंबर पर स्पॉट पर बुलाया था, वहीं घटना स्थल पर जी, वहीं से पुलिस अरेस्ट करके लाई। हाँ जी।